प्रदेश के सभी 1537 थानों में और जीआरपी के थानों को मिलाएंगे 1584 थाने आते हैं, इन सब में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक जनपद में एक अतिरिक्त महिला थाना के साथ साथ एक अतिरिक्त महिला परामर्श चौकी की स्थापना हो चुकी है। प्रदेश के सभी 1537 थानों में 10,417 महिला बीट गठित की गई है और प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जहां पर ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है वहां एक मिशन शक्ति कक्ष का निर्माण भी किया जा चुका है। महोदय, 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 13,000 थी, आज ये संख्या 32,000 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में महिला और बाल अपराधों में प्रभावी जो अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1445 से अधिक को व्यापक अर्थदंड, 1325 से अधिक को आजीवन कारावास और 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा ये अब तक की जा चुकी है। लगभग 5,000 से अधिक अपराधियों को जो महिला अपराध में संलिप्त थे जिला बदर की कार्रवाई करके अन्य प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और महोदय, प्रदेश के अंदर पास्को और महिला संबंधी अपराध में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। प्रदेश के अंदर महोदय अगर आप देखेंगे कि सेफ सिटी, आज प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों को और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन और यूपी पुलिस मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन के कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। 7 पुलिस कमिश्नरेट का गठन भी इस दौरान हुआ है। 1,53,728 पुलिस की भर्तियां अब तक सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। 244 थाने, 133 चौकियां, 78 जिलों में एंटी थेफ्ट पुलिस थाने, 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने, 74 जिलों में 79 महिला पुलिस चौकियां और परामर्श केंद्रों की स्थापना भी की गई है। हर रेंज में साइबर क्राइम थाने की स्थापना हुई है। हर रेंज में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के साथ साथ लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी सत्र में हम वहां पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने अब तक 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि भूमाफियाओं से कब्जे से मुक्त कराई है। महोदय, इसका परिणाम क्या है अगर 16 के सापेक्ष हम देखेंगे, ये एनसीआरबी के ही मैं आंकड़ों को बता रहा हूं। डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, अपहरण में 43.18% और बलात्कार में 21.75% की कमी आई है। ये 16 की तुलना में ये आज की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर।